टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ESM का ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं। इसमें लेंथ 118 है, हाइट 50+20=70 और विड्थ उसका 60 है। तो अगर हम लोग ये बनाते हैं अभी, तो ये पार्ट जो है ये बनाना और बाद में ये। तो पहले क्या करते हैं, 50 का वर्टिकल लाइन बना देते हैं, उसके बाद हाइट 15 यहां से, यहां से 50 और यहां से ऐसे स्लोप, यहां पे सर्कल है तो यहां पे मार्क करेंगे 15, बाद में 40, अब मिड पॉइंट यहां पे मार्क करेंगे और यहां पे को डार्क करते हैं। अभी सेंटर से रेडियस 20 लेते हैं और सर्कल बनाते हैं। उसके बाद यहां से 65 देते हैं यहां से वर्टिकल लाइन और यहां से भी वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये हो गया फ्रंट व्यू। इसमें एक डॉटेड बाकी है, ये 20 वाली, तो यहां से 20 लेके डॉटेड बना देते हैं। उसके बाद यहां पे है 15, यहां से 15 लाइन बनाते हैं। यहां से ऐसे आएगा, इस प्रकार से इतना पार्ट बन जाएगा टॉप व्यू में। ये जो स्लोप पे जो दिखता है आपको उल्टा सी, वो वाला पार्ट यहां से लाइन खींचेंगे और यहां से भी लाइन ड्रॉ कर। ये कितना है, यहां से 25 है, उसके बाद 10, उसको ज्वाइन करो तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल जो ऊपर से ऐसे दिखता है। उसके बाद ये लाइन डार्क हो जाएगी। इतना पार्ट हो गया। अब ये जो अंदर डॉटेड है वो ये सर्कल की डॉटेड देखो पूरी नीचे तक जाएगी। और यहां पे एक्सेस बनेगा। और टॉप व्यू में भी एक्सेस बनाएंगे। एक चीज का ध्यान रखो, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का एक्सेस को मर्ज मत करो,
जॉइंट मत कर दूँ, उसको अलग ही रखो। तो अगर मैं बना रहा हूँ फ्रंट व्यू में, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगा, बीच में कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू में ये तीन पार्ट और ये रेक्टेंगल जैसा 45 डिग्री लेके प्रोजेक्ट करते हैं। और यहां से प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये आएगा रेक्टेंगल। इतना पार्ट डार्क होगा। यहां से एक्सटेंड करेंगे, ये कितना यहां पे 15 15। ये बाद में एक्सटेंड करो आप लोग। इसका जो हाइट है वो फ्रंट व्यू से मिलेगा। फ्रंट व्यू में जो जहां पे डॉटेड खत्म होती है ना, वहां से एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये देखो, ये दो पार्ट तो मिल जाएंगे आपको 15 15 के स्क्वायर, लेकिन उसके बीच का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसके लिए जो हाइट है वो आपको फ्रंट व्यू से प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी। यहां से और ये जो पार्ट है वो यहां से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें एक डॉट लाइन बाकी है सर्कल की, टॉप पोर्शन की। ये देखो, ये एक्सट्रीम लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप पोर्शन। सो टॉप पोर्शन की लेफ्ट और राइट की तो बना दी, बॉटम की तो नहीं आएगी। तो एक्सट्रीम टॉप पोर्शन की जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।